अभी आ गया था फ्लिपकार्ट से, तो फिर यही सोच। तो दोस्तों फाइनली हमने नंबर प्लेट लगवा लिया और ये अपने खेल रहे, और ये है हमारी टेल टाइगरी। ये मेरे को फाइनल लुक है। तो हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं आपको ये चाहूँगा दोस्तों, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाला था मैंने, बाइक में थोड़ा इशू था और फैमिली घर पे भी थोड़ा इशू था, तो मैं नाजिक के बाहर था एक्चुअली, तो इसलिए ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट आया ये वाला, ठीक है। तो आज हम जाने वाले दोस्तों टेल टाइडी जो है हमारा पीछे का, बहुत दिनों से मैंने निकाल के रखा था और ऑर्डर करके रखा था मैंने, आ भी गया था बट फिर लगाया नहीं था, तो फिर आज हमको थोड़ा टाइम मिला है तो फिर आज हम लगाने को जा रहे हैं वो, ठीक है। तो चलते हैं। और दोस्तों वही करता हूँ आपको, ज़्यादा देर नहीं करवाया मैंने ब्लॉग डालने को भी, ठीक है। तो आज हम जो है वो टेल टाइडी मतलब नंबर प्लेट बनवाने का है हमको, तो फिर वो हम बनवाएंगे और वो भी बनाने के लिए जाने वाले हैं। तो चलते चलते चलते। तेरा दिल भी तेजा किस शाम भी तेजा, नंबर प्लेट पाल होती एम टी चलो लाओ इसी खोल पाड़ो ना लगती थोड़ा करना तो दोस्तों अभी इसको लगा नहीं था हमको नंबर प्लेट, और मच्छी दिख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, हाय हाय गोल्डन मछली। किरण पाडू ना लगती ना होल याला नंबर प्लेट कुठली बस आहे मला हे करून द्या, मी नंबर होल पाडून घेतो मग एम टी। हां चलो होल पाडून घेते। MH 15 HF 9812 लगे बैठल ना। तो दोस्तों फाइनली हमने नंबर प्लेट लगवा लिया और ये अपनी नंबर प्लेट ऐसी है, तो सस्ती वाली है और ये नट दिए उन्होंने, और ये हमने 50 रुपये का एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि हमको बाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए लगने वाला है वो चीज़, ठीक है। तो फिर फिलहाल के लिए ये रख देते बैग में। तो दोस्तों जल्दी से जाते वो नंबर प्लेट को होल वगैरह मारने के हमको, और हमको इस नंबर प्लेट का टोटल जो खर्चा आया वो दोस्तों वो 130 रुपये आया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कागज़ हमने ले लिया था, करके देंगे कि नहीं। और बहुत सारे क्यूट पपीज है उधर होल पाड़े के मतलब नंबर प्लेटला दोन नहीं ना लागत नहीं, ते दुसरे लावते मी असे, ते जवळ आहेत ना थोड़े, त्याच्यामुळे मार्किंग केली का? मार्किंग केली ना। हाँ चल, हाँ चल, और ये टपी देखो करके लिखे क्या ही प्यारा पपी है, ऐसे लग रहा है कि घर पे लेके जाओ बटी दरक के लिए रहता हूँ, तो इसलिए खेल रहे कितने 40 भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी ज्यादा ही बोले आपने 40 मिनट लगे बड़े जाते हाँ
चलो तो देखिए भैया अभी तो दो किलो की 40 रुपये बहुत महंगा पड़ गई है तो मेरे को तो पति दादा बहुत ही महंगा पड़ गया भाई 40 रुपये। देखा दोस्तों हर चीज़ की वैल्यू है यहाँ पे। बट ठीक है कोई ना, बट ये चलो कोई बात नहीं, 40 रुपये तो 40 रुपये। तो इसीलिए दोस्तों मैंने क्योंकि 40 बहुत ही बोल रहे, और अगर आपके मेरे वो जान पहचान के थे बट फिर उधर वो बंद था शॉप, तो इसलिए इधर आए हम और ये शॉप बड़ा महंगा पड़ गया। निकल जी, इतना लूटना अच्छी बात नहीं है छोटे बच्चों को। तो चलते दोस्तों, आधी आ गया था फ्लिपकार्ट से, तो फिर यही तो ये जो नंबर प्लेट है वो हम घर पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पैसे बचत करते हैं, ठीक है। और हमने हाल ही में जो टूल बॉक्स रहता है अपने सॉकेट बॉक्स जो रहता है वो ऑर्डर किया था, वो आ गया था हमारे टाइम के अंदर, मतलब एक दिन बाद। हम अभी हर चीज़ जो छोटा मोटा काम है वो घर पे ही करेंगे, उतने ही पैसे बचत होगी हमारी, ठीक है। तो इसलिए हम नंबर प्लेट जो है वो गैरेज में नहीं लगवाया और अभी हम घर पर जाके लगवाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। और दोस्तों ये अपनी MT50, ठीक है। तो हमने एग्जॉस्ट बिठाया, पिछली वीडियो में दिखाया था। तो ये टूल बॉक्स है हमारा और जल्द से जल्द अभी इंस्टॉलेशन करते हैं इसका सब चीज़ों का। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका सीट निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका हम सीट निकाल लिया, इसको हम रख लेंगे इधर और इसको लगने वाले हैं। पहले ये सब हमको जो सीट का लॉक है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे रैचेट, और इतना पक्का तो नहीं हूँ, इन दो मशीनों में से एक आधा लग जाएगा, ठीक है। तो लगा के देखते हैं। और हाँ, पहली बार में लग गया। सीट का लॉक, ठीक है। तो ये ओपन हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे हमारी आएगी टेल टेगी, और ये है हमारी रिटेल टाइडी। ये मेरे को, ये मैंने लिया था 176 में ऑनलाइन, आपको मेल जाएगा कहीं पे भी, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या मीशो पे। तो इसके साथ हमने लाए थे ये दो बोल्ट, तो लगाते हैं इसको। फाइन दोस्तों, अभी ये लग चुका है, ठीक है। बहुत देर से फाइन दोस्तों, ये अभी लग चुका है बहुत देर बाद। तो इसको हम फिट कर लेंगे, चड्डी को ऊपर कर लेते पहले, तो इसको भी तो हम पकड़ के रखेंगे और इससे ही हम इसको फिट कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी टेल आईडी जो है वो लग चुकी है, और अभी नंबर प्लेट की बारी। ये जो हमने नट बोल्ट आए थे इधर से इधर हम डालेंगे, ठीक है। तो ये लग चुके हैं और अभी देखते हैं इसको बराबर आते हैं कि नहीं, आना ही पड़ेगा भाई, मार्क जो कर लिया था। और ये हमारी नंबर प्लेट ऐसी दिखेगी, तो इसको हम जल्द से जल्द टाइट कर लेते हैं, और इतना गैप जो दिख रहा है वो हम बाद में कट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इधर की लग चुकी है और अभी सेकंड लगाना बाकी है। और दोस्तों हमारी नंबर प्लेट जो है वो इस तरह से दिख रही, थोड़ा सा या फिर कौन सा एंगल पे रखूँ, थोड़ा सा ये वाला परफेक्ट लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो हम इसी एंगल पे नंबर प्लेट रखेंगे, और गैप जो है वो इतना है दोस्तों, लगनी तो नहीं चाहिए। तो इस एंगल पे हम नंबर प्लेट फिट कर देते, भी जल्द से जल्दी टाइट कर देते। तो दोस्तों फाइनली हमारी नंबर प्लेट लग चुकी है, और आप देख सकते हो कैसी लग रही है, क्या ही लुक लग रहा है, और ज़्यादा ही नीचे लग रही है, ठीक है। बट कोई नहीं, थोड़ी दिन रहने देते।
और ये हम लगा देंगे इसको तेज़ी से। और चाबी निकाल लिया और इसका लुक आप देख सकते हो दोस्तों क्या ही लग रहा है, कते ही जो है। तो ये हमारा बाइक का जो है दोस्तों फाइनल लुक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों बाइक के कुछ नए मॉडिफिकेशन को लेके, ठीक है। और अगले ब्लॉग में जो है हम इसका जो है आइज़ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। एक बार पीछे से लुक दिखा देता हूँ, चाबी ऑन करके, और हमारी बाइक कुछ इस तरह से दिखती है दोस्तों, ठीक है। हम देख सकते हो क्या ही प्यारा लुक आ रहा है, पीछे से देख सकते हो। और ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा तो है, बट कोई नहीं, बाद में हम इसको कर लेंगे अच्छे से, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। लव यू एंड ऑल दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।